जनपद की तीनों नदियों के जलस्तर में तेजी से गिरावट हो रहा है। राप्ती, रोहिन एवं सरयू नदियों के जलस्तर में कमी हो रही है, वहीं राप्ती नदी के जलस्तर में भी तेजी से कमी हो रही है, जिसके संबंध में जिला आपदा प्रबंधक गौतम गुप्ता ने बताया कि नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। वर्तमान में जनपद के सभी तटबंध सुरक्षित हैं तथा कहीं से भी रिसाव की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए पुलिस विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाढ़ क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है तथा बाढ़ राहत सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अब तक करीब 74,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को राशन किट का वितरण किया जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा प्रबंधक गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी सभी नदियां रिसीट कर रही हैं और सभी तटबंध इस समय सुरक्षित हैं, और नदियों के रिसीट करने का यह है कि अभी जो घाघरा है वो भी अपने डेंजर लेवल के डाउनफॉल पे है, और रोहिन काफ़ी दिन से डेंजर लेवल से काफ़ी नीचे चल रही है। राप्ती में भी काफ़ी पानी रिसीट किया हुआ है, तो आगामी कुछ दिनों में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि राप्ती भी डेंजर लेवल के नीचे आ जाएगी। और वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित हैं, कहीं से किसी प्रकार की कोई सूचना अभी तक रिसाव यानी कि प्राप्त नहीं हुई है। सर, बाढ़ क्षेत्रों में किस तरह की सुरक्षा बनाया गया है? सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ तटबंधों की तो निगरानी इस समय सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की टीमें वहाँ पे निरंतर निगरानी कर रही हैं, और जो भी सहायता अनुमन्य है उन क्षेत्रों के लिए माननीय जनप्रतिनिधि गण की उपस्थिति में वो सभी राहत वितरण की कार्रवाई भी की जा रही है और सतत निगरानी रखी जा रही है। टीम भी लगातार फील्ड में भ्रमण कर रही है और अब धीरे धीरे जल्दी हमें बाढ़ से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।